सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया कर रहे हैं एंड बढ़िया करते रहना। एंड अभी इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक फोटोशूट पे सब कुछ कैसा होता है। एक मतलब जैसे एज अ फैशन फोटोग्राफर जब हम एक शूट पे जाते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है एंड क्या डे रहता है। तो आज का दिन इसी की तरफ हम समर्पित करते हैं, समर्पित ही होता है ना, हाँ हम समर्पित करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि जो मनाली वाली सीरीज है वो क्यों रुक गई, क्यों आनी थी एंड उसकी जगह पर ये वाला व्लॉग क्यों आ रहा है। तो आपको तो रीजन पता ही है, मैं क्या ही बोलूं। खैर चलते हैं आगे, कुछ पैकिंग करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2 बजने वाले हैं एंड 2:15 तक, मतलब 2:15 तक मैं घर से निकलूंगा क्योंकि मुझे 3:45 तक वहां पर पहुंचना है एनी हाउ। तो हाँ अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू सुंदर नर्सरी एंड हुमायूं टूम्ब। हाँ हुमायूं टूम्ब मैं 3rd टाइम जा रहा हूँ, तो थोड़े अच्छे फ्रेम्स वगैरह हैं वहाँ पे, तो मैं चाहता था कि शूट वहीं पर ही हो एंड उसके आसपास भी बहुत सारी जगहें हैं। तो देखते हैं, हम कुछ अपना भी एक्सप्लोर करेंगे, कुछ काम भी करेंगे, तो कैसा रहता है ये दिन, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो ये अपना अलग फन कर रही है। चिक्की क्या कर रही है तू, क्या कर रही है, इसको पूरे टाइम ऐसे ही छुपना पसंद है एंड खेलना पसंद है कहीं पर भी। ही घुस जा कैमरे के अंदर घुस जा। तो अभी किचन में चल के देखते हैं कि कुछ बनाए खाने के लिए नहीं, क्योंकि उसके बाद 4-5 घंटे का काम है तो कुछ खाना जरूरी है। सांबर चावल बन गए भी है कुछ, मटर पनीर। तो चलो खाने का सीन तो सेट है, बस सब कुछ खा पी के निकलते हैं यहाँ से 15 मिनट तक, क्योंकि फिर काम भी तो करना है ना गाइस। बस यही था ये घर का, फालतू की चीजें खाना बिना, और बस यहाँ से निकलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। तो लेट्स गो, बाय बाय बाय। सो मैं निकल आया हूँ वहाँ से, जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन से, एंड मेरे साथ में है अभी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एंड यहाँ से बाय वॉक 10 मिनट का ये, तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ, तो फटाफट पहुँचते हैं और कुछ नहीं कहूँगा, सीधा आपको दिखाता हूँ चल के। ये है इंडियन तिब्बतन सीमा, जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है उनकी बस है, यहाँ पर इनका भी हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर मतलब ये सेंट्रल दिल्ली पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज एंड ऑल ये सब चीज़ें आसपास ही पड़ती हैं। लोधी रोड सामने रास्ता जा रहा है, हमें वहीं जाना है। सो गाइज मैं आ गया हूँ सुंदर नर्सरी में एंड शूट चल रहा है अभी, थोड़ी थोड़ी शाम होनी शुरू हो गई है, थोड़ा मैं शूट में बिजी हो गया था तो ब्लॉग बीच में नहीं करा, बट या चल रहा है, अच्छा चल रहा है। एंड जिनका शूट है वो यहाँ पर हैं, शी इज रशेल एंड भैया देवशी है। तो आर यू एंजॉइंग? यस आई एम एंजॉइंग। आप फर्स्ट टाइम आए हो ना यहाँ पे? हाँ जी। तो मतलब शूट के लिए कैसी है जगह? ठीक है, शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, वी हैव प्लेंटी ऑफ शॉट्स एरियाज एंड या एंड यहाँ पे कैफे भी है और काफी सारी जगह है। वैसे हम भी हम पीछे इसके एडजस्टमेंट में वो है आपका हुमायूं टूम, तो गोल्डन आर होते ही हम वहाँ पे जाएंगे कुछ अच्छे शॉट्स लेने के लिए। तो लेट्स सी एंड आपको लेके चलते हैं आगे। बूम, अगर आपने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा होगा तो आपने उसमें जगह देखी होगी, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग में मैं आपको यहीं लेकर आया था सुंदर नर्सरी में, जो फोटो वॉक वाला व्लॉग था। एंड अभी हम दोबारा से यहाँ पर आए हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मेरे को ये जगह अच्छी लगी थी एंड यहाँ पे शूट के लिए काफ़ी सारी अच्छी लोकेशंस हैं, तो हम यहाँ पर अच्छे से शूट कर सकते हैं एंड काफ़ी बड़ा भी है। तो वहाँ पर उस साइड पे लेक है एंड यहाँ पर बच्चों के स्विंग्स वगैरह लगे हैं, यहाँ पर ये फैब कैफ़े है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। वैसे वहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे मैं दिखाऊँ तो फाउंटेन है वहाँ पर, यहाँ पर पार्किंग भी है, तो इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट दिल्लीज हेरिटेज पार्क। अभी हम है ना सुंदर नर्सरी से बाहर निकले थे
एंड टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हमने सोचा कि अभी हुमायूं टूम्ब चल लेते हैं पहले, बट सैडली वो क्लोज हो चुका था उसका रास्ता, तो अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। एंड यहाँ पर सफदरजंग टॉम्ब है पास में एंड प्रगति मैदान है, तो वो भी सब बंद हो गया था। चलो रोड क्रॉस कर लूँ पहले, तो ये सब भी बंद हो गया था एंड तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हम इसलिए वापस जा रहे हैं सुंदर नर्सरी। हमारा प्रैंक हो गया तो दोबारा से वहीं पर मिलते हैं आपको। कुछ ट्राई करता हूँ कि मैं कैसे क्लिक करते हैं फोटोज, ये दिखाता हूँ। सो अभी एवरीथिंग वॉज क्लोज एंड अभी हम आ गए अब्दुल रहीम खान ए खाना फोर्ट। तो ये जगह जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाई, एवरीथिंग वॉज क्लोज, मतलब ये भी बंद हो गया था, बट थैंक्स टू दैट सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया, उन्होंने आने दिया हमें यहाँ पर। एंड लाइटिंग के बाद ये फोर्ट्स वगैरह तो बहुत ऑसम लगते हैं, मतलब सीरियसली, मतलब एक लुक ही चेंज हो जाती है। सो पैकअप सो जिस चीज़ का मैं ब्लॉग बनाना चाहता था वो नहीं हो पाया, मैं दिखाना चाहता था कि वो कह रहे हो कैसे होता है मतलब फ़ोटोशूट, बट ठीक है कभी कभी चलता है, थोड़ा जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में काम हुआ। तो हाँ अब मैं आपको यहाँ से इसका फ्रंट लुक देता हूँ, यहाँ से देखिए इसको, दिस इज़ द खान ए खाना फोर्ट बाय अब्दुल रहीम, जैसा कि अभी हमें भैया ने बताया। सो ब्यूटीफुल, मतलब वाओ लिटरली। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि हम सफदरजंग फोर्ट में जाएं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया एंड अभी हम पैकअप कर रहे हैं, अभी टाइम इज़ अराउंड 7 PM। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल फोर्ट एंड इसके पीछे मून इतना अच्छा लग रहा है। हाँ जी फिर आ गए घर और अब क्या करना है, क्या करना है, क्या बस व्लॉग एंड करना है। ये सामान फेंको भाई सबसे पहले, तो ये इतना बड़ा ट्राईपॉड एंड इसका कोई फ़ायदा नहीं वाले जाने का, अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे वैसे भी, और कैमरे वाला बैग। तो हाँ अब कुछ नहीं करना, बस अब व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस वीडियो। कुछ व्लॉग्स में इम्प्रूवमेंट लग रही है तो बताओ। बस ख़त्म समाप्त, टाटा बाय बाय गुड नाइट बाय, और जल्दी अगला व्लॉग आ जाएगा। हर बार ये कहता हूँ लेट कर देता हूँ, लेकिन ट्राई करूँगा कि जल्दी से अगला व्लॉग डाल दूँ, तब तक के लिए बाय।